नमस्कार दोस्तों, दामू गिरोसे में आपका स्वागत है। तो भैया सर्दियों का सीजन है तो बढ़िया एकदम। आज हम आपको बताएंगे मारवाड़ी दाल ढोकली, वो भी डबल तड़के के साथ। तो ये ढोकली खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसको इस तरह से बनाएं, तो हमने मूंग दाल भिजोई है, जो स्प्लिट मूंग दाल होती है वो, उसमें थोड़ी सी चने की दाल डाली है। इसको भिगो के रखना है। तब तक हम क्या करेंगे, एक भगोने में लगभग 1 लीटर पानी गर्म करेंगे, उसमें डालेंगे नमक, फिर वो जो भिगी हुई मूंग दाल है ना वो उसमें ऐड करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद इसमें मूंग दाल और वो थोड़ी सी जो चने की दाल हमने भिगोई थी वो इसमें बढ़िया प्रॉपर से डाल देंगे। फिर इसको ढक देंगे ताकि ये पकते रहे धीरे धीरे एकदम धीमी आँच पे। फिर हम ये वीट आटे की बनती है, मतलब गेहूं के आटे की बनती है, तो लेंगे लगभग 100 से 150 ग्राम आटा। उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ साबुत धनिया, फिर थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, फिर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ज़ीरा। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या लहसुन के तड़के देंगे तो अजवाइन वगैरह थोड़ा सा मेरे को नहीं जमता है, आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे, यह है ऑयल, कुकिंग ऑयल। इसको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, अच्छा सा मोइन तैयार कर लेंगे ताकि ढोकली जब हमारी बने तो सॉफ्ट सी बने, अच्छे से पक जाए, इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड कर लें। तो ये देखिए इस तरह से ये बनना चाहिए। इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको गूंथ लेंगे, आटा इसका इसका आटा जो है ना वो एकदम टाइट गूंथ लेंगे, बिल्कुल टाइट। तो इस तरह आटा तैयार है, इसको हम ढक लेंगे 10-15 मिनट के लिए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो 10-15 मिनट के बाद हम आटे को फिर से चेक करेंगे, बढ़िया सा गूथा हुआ आटा है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना के इसकी ढोकली बनानी है, तो इसके बीच में अपन हॉल कर लेंगे ताकि ये जो है अच्छे से पक जाए, जब उबलेंगी ना तो अच्छे से पक जाएंगी। तो इस तरह से हमने सारी ढोकली ऐड कर ली है, सॉरी रेडी कर ली है। अब इसको हम ये उबलती हुई दाल में ऐड करेंगे। तो हम पहले चेक कर लेंगे, इसमें चने की भी दाल है जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाती है उबलने में, तैयार होने में, पकने में। तो वो जब पक जाए तब इसमें एक एक करके हम ढोकली ऐड कर लेंगे। ढोकली एक एक करके ऐड करना, नहीं तो चिपक जाएगी। फिर इसको हल्के हाथों से इसको एकदम धीरे धीरे हिला लेंगे ताकि कोई चिपकी हुई ढोकली हो तो अलग हो जाए। फिर इसको ढक लेंगे। तब तक हम तड़के के लिए काम तैयार कर रहे हैं एकदम सामग्री। तो हम डालेंगे अमर अकबर एंथनी यानी लहसुन, मिर्ची और अदरक। इन तीनों चीज़ों को कूटना है, लेकिन इसमें और भी मसाले ऐड होंगे, थोड़ा सा नमक ताकि कूटने में आसानी हो, फिर थोड़ा सा जाएगा जीरा, क्योंकि हम इसमें और कोई तड़का नहीं देंगे तो जीरा जो है इसी में हम कूट लेंगे। तो ये कूटा हुआ सामग्री है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, फिर 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, फिर इसकी पेस्ट बना लेंगे हम। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट बना के इसको साइड में रख लो ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भीग जाए। फिर हमें ये तड़के के लिए चाहिए चॉप टमाटर और चॉप किए हुए प्याज, ये हमने दोनों एक एक लिए हैं। तो इधर हमारी ढोकली जो है ना वो एकदम उबल जाती है ना तो ऊपर आ जाती है, तो इस तरह से ये ऊपर आ गई हैं। हम इसको चेक कर लेंगे ढोकली पकी या नहीं, ये बिल्कुल अच्छे से पक गई, आराम से टूट रही है, तब इसमें तड़का ऐड करना है हमें। तो अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो मैंने पैन लिया, पैन में डाला 1 टेबलस्पून ऑयल, फिर ये ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने जो पेस्ट बनाई थी वो इसमें ऐड कर लेनी है। इस पेस्ट को जो है अच्छी तरह से पकाना है, जब तक ऑयल ना छूट जाए ना तब तक। पूरी किचन में जो है ना लहसुन की महक एकदम भरपूर हो गई है। फिर ये जब ऑयल छूट जाए तब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं गलाना है, लेकिन तेज़ आंच पे इसको चलाना है, अच्छे से बढ़िया चला लो। इसमें नमक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पेस्ट में ऐड किया था। तो प्याज जब अच्छे से पक जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो, चॉप किए हुए टमाटो वो ऐड कर देंगे, फिर इसको भी अच्छे से पका लेंगे। तो ये तड़का जो है ना एकदम बढ़िया रेडी हो जाना चाहिए। क्या होता है कि दाल में अगर आप टमाटर वगैरह ऐड करते हैं जब पकाते हैं उस वक्त, तब दाल पकने में मुश्किल हो जाती है। हालांकि आप जब प्रेशर कुकर में करते हैं तब पक जाता है, लेकिन ऐसे खुले में नहीं। लेकिन खुले में दाल बनाने का मज़ा अलग है,
प्रेशर कुकर वाली दाल और ये वाली दाल, इस दोनों में आप बना के देख लेना, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे तड़का ऐड कर दिया है। तड़का ऐड करके इसको, दाल ढुकली को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के हम 5 से 7 मिनट तक थोड़ा सा और पकाएंगे। तब तक हम इसके लिए दूसरा तड़का ऐड करते हैं। अब आप पूछेंगे दूसरा तड़का क्यों? तो भैया दूसरा तड़का इसलिए क्योंकि हम जब दाल ढोकली खाते हैं तो घी तो जाना ही जाना है, तो घी का तड़का ऐड करेंगे। उससे पहले क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला मिला के इसको ढक के रख देंगे। तो अब दूसरा तड़का हम तैयार कर रहे हैं। हमने डाला 1 टेबलस्पून घी, प्योर देसी घी। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें हमें डालनी है चॉप किए हुए गार्लिक। ये गार्लिक जब ब्राउन हो जाए ना उतना हमें पकाना है तेज़ आँच पे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़े से ये फ्राई किए हुए अनियंस, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालें तो भी चलेगा, मेरे पास पड़े थे तो मैंने डाल दिए। तो मैं अब इसमें ऐड करने जा रहा हूँ फ्राई किए हुए अनियंस, आप इसको स्किप कर सकते हैं ना। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी इसलिए डाला क्योंकि अनियन जो है ना ऑलरेडी कुकड है, तो वो ओवर कुक ना हो जाए इसके लिए, उसका प्रोसेस रोकने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया ताकि तड़के का बढ़िया कलर आ जाए एकदम लाल। ये तड़का एकदम झमझम करता हुआ, एकदम खोलता हुआ तड़का है ना, हमें ढोकली में ऐड करना है। तो ये मैंने ढोकली में ऐड किया है तड़का। फिर ये तड़के की महक जो है ना ढोकली में अच्छे से आ जाए, इसके लिए आप इसको डालने के बाद ढोकली को ढक लेंगे और ये ढकने के बाद आपको गैस को कर लेना है बंद। तो अभी गैस बंद है, फिर हम 2-4 मिनट बाद ढक्कन हटा के इसमें नींबू निचोड़ देंगे। नींबू थोड़ा खट्टापन बहुत अच्छा लगता है इसमें, वैसे भी दाल वाल जब आप खाते हैं तो उसमें नींबू तो निचोड़ते ही हैं, तो ये खट्टापन बढ़िया खट्टापन है। इसमें घी है और फिर ये चॉप किया हुआ करिएंडर है। तो ये बढ़िया मारवाड़ी दाल ढोकली तैयार है। इसको परोसें अच्छे से, गर्मा गर्म खाएं, ठंडी बिल्कुल ना खाएं। फिर उसमें जब आप परोसेंगे ना तो ऊपर घी डाल दें। हालांकि हमने घी का तड़का लगाया लेकिन लास्ट में घी डाले बिना तो मारवाड़ी दाल ढोकली अधूरी है। अब इसको पापड़ के साथ सर्व करें और दामू की रेसिपी को सब्सक्राइब करें। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप मुझे ज़रूर